राइट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कल का मार्केट हम लोग देखते हैं, कल एक्सपायरी भी है तो क्या क्या चीजें अभी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि लास्ट डे जो ऊपर का रेजिस्टेंस था निफ्टी में वो था 140 के आसपास हम लोग बात कर रहे थे, तो आज मार्केट में हाई लगा है 18,183। राइट, तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो 18,200 का जो लेवल है उसको हमें रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंट करना है, और अगर इस लेवल का ब्रेक होता है राइट, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 18,263 तक रेजिस्टेंस के हिसाब से सोच सकते हैं, तो बुलिश में टारगेट आपका हो जाएगा। टारगेट वन अगर हम लोग देखते हैं तो 18,263। राइट, देन अगर हम लोग नीचे देखते हैं, अगर मार्केट 18,200 से मार्केट को रिवर्सल मिलता है तो उसमें आपको पहला टारगेट के हिसाब से अभी काउंट करना है 18,078 का जो मार्क है उसको। देन अगर इस लेवल का ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे 50 MA का मार्क्स भी है, तो वहाँ से मार्केट कितना तो नीचे आ सकता है, अप टू 18,000 तक मार्केट नीचे अभी आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से आपको अभी काउंट करना है 18,000, तो ये आपका टारगेट टू हो जाएगा, और टारगेट वन आपका बेरिश में आएगा 18,078। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी में लास्ट डे हम लोग क्या बात किए थे कि यहाँ से मार्केट का ऊपर का जो रेजिस्टेंस अभी है वो है 42,470 है, तो आज मार्केट का आप देख पा रहे हैं कि 555 के अराउंड मार्केट ऊपर हाई लगाया था। राइट, तो अभी भी हमें काउंट करना है क्या, 42,700 का जो मार्क है उसको हमें रेजिस्टेंस के हिसाब से काउंट करना है। राइट, तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 42,700 का जो मार्क है। अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो ऊपर कितना तो जा सकता है, अप टू 43,000 तक हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, अगर 42,700 का जो मार्क है उसको अगर ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो वहाँ तक जा सकता है। नीचे क्या है, नीचे 50 MA का जो सपोर्ट आपका अभी बन रहा है वो अराउंड 42,300 के यहाँ पर बन रहा है, तो अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो मार्केट कितना दूर नीचे आ सकता है, तो मार्केट में फिर से वही आ जाएगा कि मार्केट अप टू 41,900 तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपका दो टारगेट बनेगा, 42,200 ये आपका पहला टारगेट बनेगा बेरिश में, और सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 42,000, तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो बिल्डअप हुआ है बिल्डअप के हिसाब से क्या व्यू पॉइंट बन रहा है। तो बिल्डअप में अगर हम लोग देखते हैं तो 18,000 पे क्या बिल्डअप है, 18,000 पे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 18,000 पे जो पुट राइटर्स हैं यहाँ पर 2,45,000 के अराउंड बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, और कॉल पे देखिए यहाँ पे 41,000 का यहाँ पर स्क्वायर अप किया है लोग, तो अप टू देखिए 18,100 तक अगर हम लोग देखते हैं तो 1,89,000 यहाँ पर भी आपको पुट राइटर्स देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट पॉसिबिलिटीज अर हाई कि मार्केट 100 से ऊपर ही रहेगा। और ऊपर अगर हम अभी 200 का लेवल देखते हैं तो 200 पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है, 1,49,000, उसके बाद 250 में भी आपको दिख रहा है 1,00,000, तो अप टू अगर हम लोग देखते हैं तो अप टू 350 या फिर 400 तक आपको यहाँ पर ह्यूज कॉल का बिल्डअप दिखेगा, तो पॉसिबिलिटीज रहा है कि मार्केट साइडवेज भी यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि जो रेंज है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 18,100, तो ये दोनों लेवल पे आपको ह्यूज बिल्डअप दिख रहा है, उसके बाद 18,200 से लेकर अप टू 18,400 तक आपको ह्यूज कॉल का राइट्स भी यहाँ पर दिख रहा है, तो उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड पे ही रहे, या फिर मतलब अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे तो उसमें अप टू 18,000 तक हम कंसिडर कर सकते हैं टारगेट के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बैंक निफ्टी में 42,000 पे क्या बिल्डअप अभी है, 42,000 पे अगर बिल्डअप देखते हैं तो 1,51,000 आपको पुट राइटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे 42,500 पे अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे आपको कॉल पे बिल्डअप दिख रहा है 1,58,000, तो अभी भी रेंज वही है 42,000 से लेके 42,500, बट प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि 42,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा मार्केट। कल अगर मार्केट 42,500 के ऊपर खुल जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि मार्केट 43,000 का लेवल जो है उसको टच कर जाएगा, तो हम अभी कंसिडर करेंगे बुलिश में 43,000 का जो लेवल है उसको ही कंसिडर करेंगे अभी टारगेट के हिसाब से। एज पर अगर हम लोग बिल्डअप भी देखते हैं तो वही आपको यहाँ पर बन रहा है। राइट, तो नीचे क्या है, नीचे मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो 42,200 पे आपको ह्यूज बिल्डअप दिख रहा है, तो मार्केट अगर नीचे आता भी है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा जो है 42,200, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट नीचे अगर रिवर्सल पे आता है तो 42,200 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने का कोशिश करे, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।